मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के दौर के बीच में आप सभी को बता दूं कि अब जो पिछले 7 दिन से कहा जा रहा था कि पानी की कमी हो जाएगी अगर मानसून नहीं आया, तो उस पानी की कमी भी पूरी हो चुकी है और इसी के बाद में अब पानी इतना हद तक हो चुका है कि नहरों और नदियों के गेट भी खोलने को मिले हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि राजस्थान में आखिरकार कहां कहां पर कितनी मात्रा में बारिश हुई है। राजस्थान के हाड़ौती अंचल में भारी बारिश ने कहर मचा दिया है। बारा जिले के शाहबाद में आज दूसरे दिन भी 10 इंच यानी कि बारिश ने हालात से विकट स्थिति पैदा कर दी। इधर सवाई माधोपुर के देवगढ़ में रिकॉर्ड 380 यानी कि 1 फुट 1 इंच पानी पिछले 24 घंटे के दौरान बरसा है और इन्हीं के अलावा बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक, करौली, जयपुर समेत अन्य जिलों में बीती रात तेज बारिश हुई है। इसके कारण इन जिलों के कई क्षेत्रों में बरसाती नदियां तेज बहाव के साथ बहने लगी। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश ने राजस्थान की नदियों में उफान ला दिया। चंबल, पार्वती और काली सिंधी में तेज पानी की आवक होने से इन पर बने डैम के गेट खोल दिए हैं। नदियों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इनके आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की। और इधर टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र में सिरस गांव में आज सुबह दर्दनाक हादसा भी हुआ है। एक पुत्र अपने पिता संग अपनी मां का शव लेकर के जयपुर से लौट रहा था, तभी गांव के पास बने अंडरपास की रपट पर बोलेरो एम्बुलेंस तेज पानी के बहाव में बह गई। इससे उसमें सवार पिता पुत्र की मौत हो चुकी है, जबकि चालक और एक अन्य रिश्तेदार ने एम्बुलेंस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई।